हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग ने पिछला वाला जो वीडियो था वो कैब का, वो आप अच्छे से क्या होगा उसमें हमने काफ़ी सारे शब्द किए थे। आज हमारी सेकंड वीडियो है वो कैब की, और आज भी हम लोग इसमें सिर्फ एक शब्द नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई शब्द कर रहे हैं ना, उसके लिए हम मैक्सिमम अगर वर्ड्स जान लेंगे तो हमारे लिए काम इजी हो जाएगा ना। एक शब्द और उसके साथ में उसके जैसे जुड़े हुए जो उसके जैसा मीनिंग कैरी करते हैं वो भी हमें एक ही साथ जान लेने चाहिए। तो उससे आपका क्या रहेगा, एक शब्द सीखा, उसके सिनोनिम सीखे, तो एट अ वन नहीं, एक ही गो में आपने बहुत सारे शब्द सीख लिए। ठीक है, अब देखो, अब आज का हमारा दूसरा शब्द है, आज का हमारा जो सेकेंड वर्ड है हमारा, तो सेकेंड वर्ड क्या है, कोलोसल। तो कोलोसल एक काजल भी आता है ना, कोलोसल जब भी बोलते हैं तो वो टीवी एड वाला काजल वाला एड आता है, जिसमें वो क्या लगाते हैं, बड़ा बड़ा सा आंखों में काजल लगाते हैं, और फिर क्या दिखाते हैं कि जो हमारी हीरोइन होती है, एक्ट्रेस होती है, उनकी बड़ी ज्यादा क्या होती है, एनलार्ज करके आंखें दिखती हैं, है ना, बड़ी ब्यूटिफाई हो जाती हैं आंखें, बड़ी बड़ी सी हो जाती है ना। तो कोलोसल मीन्स बहुत बड़ा। कोलोसल का मतलब ही होता है कोई चीज जो है वो एक्सट्रीमली क्या है, लार्ज है। कोलोसल का मतलब ही होता है एक्सट्रीमली लार्ज। अब कोलोसल बिल्डिंग, अगर आप कह रहे हो कोलोसल बिल्डिंग, दैट मीन्स कि वो जो बिल्डिंग है वो कैसी है, बहुत बड़ी है। ठीक है, वो बिल्डिंग कैसी है आपकी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अब याद रखिएगा, ये एक बिल्डिंग को मॉडिफाई कर रहा है, बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है। तो इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, कोलोसल आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका वो एडजेक्टिव है, और कोलोसल का मतलब होता है कोई चीज जो एक्सट्रीमली क्या है, लार्ज है, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी है। और ये आपके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये अभी के सीपीओ में भी आया था ये वाला शब्द, अभी जस्ट अभी जो हमारा सीपीओ का एग्जाम हुआ है उसमें भी आया हुआ था ये शब्द, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा अच्छे से। और कोलोसल का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्या है, लार्ज है, बहुत ज्यादा क्या है, लार्ज है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है ना। कोलोसल, कोलोसल बिल्डिंग, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, अब देखो, अब ये तो हो गया एक शब्द, अब कोलोसल का एक शब्द जान लिया आपने, कोई चीज जो बहुत ज्यादा लार्ज है, लार्ज चीज के लिए हम कोलोसल का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके जैसे और शब्दों को हम लोग जान लेते हैं। ह्यूज तो आप लोग जानते ही हो, ह्यूज का मतलब बड़ा ना, तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। मैसिव, मैसिव का मतलब भी आप जानते हैं, मैसिव मतलब बड़ा, मैसिव है वो चीज, बड़ा। एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब, एनॉर्मस का मतलब भी बड़ी है वो चीज ना, उस चीज की एक्सट्रीमली लार्ज है। गाइड आपका गाइगेंटिक, गाइगेंटिक आपके जो जायंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, विशाल होते हैं, बॉडी उनकी बहुत बड़ी होती है, ह्यूज होती है, बॉडी के जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो अब मैमोथ, मैमोथ भी आपका, मैमोथ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मतलब भी क्या हो गया, कैलोसल मतलब बहुत बड़ा। इमेंस, इमेंस देखो, इमेंस हो गया, एक होता है इंटेंस, इंटेंस हो गया बहुत पावरफुल, और इमेंस मतलब हो गया लार्ज, बड़ा। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस। ट्री, ट्री कैसा होता है, बड़ा ही तो होता है ना, ट्री हमेशा बड़े होते हैं, जो आपके ट्री होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, एक हाई एरिया कवर करते हैं ये, वो ट्री कैसे होते हैं, हमारे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, कैसे होते हैं, एक लार्ज एरिया कवर करते हैं, तो ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस कैसा हुआ, कोई चीज जो बहुत लार्ज है, बड़ा एरिया कवर किए हुए है, ट्रीमेंडियस है ना। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोडिजियस। नाउ रिमेम्बर वन थिंग, ये है प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा, बहुत लार्ज। और एक शब्द होता है हमारा प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है कि कोई इंसान क्या होता है, अपने पैसों को लेके ना बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, बहुत ज्यादा खर्चीला होता है ना अपने पैसों को लेके, जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, ये इंसान जो है ना आपके एंटोनिम है, एंटोनिम को मैं ऐसे करके मार्क कर देती हूँ, ये एंटोनिम है आपके फ्रूगल के, ये आपके विपरीत है, एंटोनिम्स हैं आपके किसके, फ्रूगल। फ्रूगल लोग कैसे होते हैं, जो बहुत किफायती होते हैं, बहुत इकोनॉमिकल होते हैं,
ना, बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। तो आपके प्रोडिगल लोग कैसे हुए, जो बहुत अधिक खर्चा करने वाले लोग होते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, जो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, तो दीज पीपल, वो उनको हम प्रोडिगल कहेंगे। और फ्रूगल आपका हो जाएगा, जो कैसे होते हैं, किफायती होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये शब्द हो गया, और एक शब्द होगा आप, हो गया आपका प्रोडिजियस। तो प्रोडिजियस का मतलब क्या हो गया, कोई चीज जो है वो बहुत लार्ज है। प्रोडिजियस का मतलब हो गया कोई चीज बहुत ज्यादा क्या है, लार्ज। और प्रोडिगल का मतलब मैंने आपको अभी बता दिया। और एलिफेंट तो आप लोग जानते ही हो, एलिफेंट की बॉडी कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है। एलिफेंट की बॉडी कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है। एलिफेंटाइन, एलिफेंटिस हो गए, तो बहुत बड़े हैं ये लोग, ठीक है। सेम यहाँ से भी जुड़ गया, एलिफेंटाइन, है ना। और हर्क्यूलिन, हर्क्यूलिन का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, अच्छे खासी मात्रा में, ना, तो इन अ गुड क्वांटिटी। इन अ गुड क्वांटिटी, ना, अच्छी खासी मात्रा में, तो वो हो जाएगा आपका सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब इन अ गुड क्वांटिटी। मॉन्स्टर तो आप जानते ही हो, मॉन्स्टर कभी भी कोई छोटा तो होता नहीं है, मॉन्स्टर हमेशा बड़े साइज के होते हैं। तो मॉन्स्टर हो गया आपका। टाइटैन के बारे में आप लोग जानते हैं, जो हमारा शिप था, जो शिप था वो कितना बड़ा था, राइट। शिप कितना बड़ा था वो वाला, तो टाइटैनिक, टाइटैनिक मतलब बहुत बड़ा है, कोई चीज बहुत बड़ी है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका जुम्ब, जम्ब आपका एक ले, आप लोग ऑर्डर लेते हो ना, तो एक जुम्बो ऑर्डर आता है, तो आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा का सारा प्लान आपको एक साथ में ही मिल गया, सारा का सारा प्लान आपको एक ही साथ में मिल गया, है ना। तो ये हो गया आपका जम्बो। तो कोलोसल, कोलोसल का मतलब होता है कोई चीज बहुत बड़ी है, एक्सट्रीमली लार्ज है। ह्यूज का मतलब बहुत, आप जानते ही हो, बड़ा होना। मैसिव, मैसिव आपको पता है। एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा होना। जायजेंटिक, मैमोथ, इमेंस, ट्रिमेंडस, इन सब का मतलब आप लोग एक बार लर्न करो, एक बार देखो, और फिर मुझे बताओ क्या ये तरीका सही है, जहाँ पे हम एक शब्द के सारे सिनोनिम्स कवर कर रहे हैं, या आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को अलग अलग जानना चाहेंगे। तो ह्यूज का मतलब बड़ा हो गया, मैसिव का मतलब भी बहुत बड़ा हो गया है, एनॉर्मस है कोई चीज़, तो एनॉर्मस चीज़ क्या होती है, ह्यूज इन साइज होती है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। मैमोथ, मैमोथ में याद रखिएगा, MAMMOTH, मैमोथ, इमेंस, ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस मतलब हम कहते हैं ना, ट्रेमेंडस टास्क, टास्क जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म किया है। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज। एंड प्रोडिगल मीन्स द पीपल जो बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव, जो चीजें बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं। एलिफेंटिस एंड देन द एलिफेंटाइन, एलिफेंट से जुड़े हुए शब्द हैं। एलिफेंट आपका छोटा साइज का होता ही नहीं है, बड़े साइज का होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हर्क्यूलिन। हर्क्यूलिन आपका क्या हुआ, ये एक बड़े साइज का है, हर्क्यूलिन, ना, तो ये एक बिगर इन साइज हो गया है आपका। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल होता है इन अ वेरी गुड क्वांटिटी, अच्छे खासे मात्रा में, या इन अ गुड गुड क्वांटिटी, अच्छी मात्रा में है चीजें, सब्सटेंशियल। मॉन्स्टर, एज यू ऑल नो, मॉन्स्टर तो हमेशा बड़े ही होते हैं। आपका टाइटन, जो टाइटन जो शिप था वो कैसा था, बहुत बड़ा था, तो टाइटेनिक, ना। जम्बो तो हमारे जम्बो ऑर्डर्स आप लोग खाते हो, जिसमें आपको पिज्जा, बर्गर, मोमो, तो सारा को सारा एक ही साथ में दिखता है ना, तो वो हो गया आपका, बड़ी सी थाली में आपको खाना परोसा जा रहा है, तो कोलोसल हो गया। अब इसको बेस देखते हैं, हमारे क्वेश्चंस क्या आए थे पेपर में। ये अभी ये सीजीएल का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आपसे क्या पूछा गया है, ओपोजिट पूछा गया है कोलोसल का। कोलोसल का ओपोजिट अगर हम बात करेंगे, तो वास्ट का मतलब भी बहुत बड़ा ही हो जाता है ना। वास्ट है, बहुत बड़ा है कोलोसल, वास्ट तो मतलब बड़ा ही हो गया आपका। और एक हो गया टाइनी। टाइनी का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत छोटी है ना, टाइनी है मतलब वो चीज बहुत छोटी है। ठीक है, तो
कोई चीज बहुत छोटी होती है तो उसको हम टाइनी कहते हैं, और कोई चीज जब बहुत ज्यादा बड़ी होती है, कोलोसल मीन्स बहुत बड़ा और टाइनी मीन्स बहुत छोटा। ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे क्या बोला गया है, रिलेटेड वर्ड को आपको एक सीक्वेंस बना के फॉर्म करना होगा। वीक मतलब आपको पता है, वीक मतलब कमजोर है ना, और वीक मतलब कमजोर होता है, कमजोर हुआ, और आपका इसका मतलब भी आपका कमजोर है, यानी कि यहाँ पे हमें ये सेम सेम शब्द चल रहे हैं, सिनोनिम चल रहा है। वीक मतलब कमजोर, फीवर मतलब कमजोर, लार्ज मतलब कोई चीज कैसी होगी, बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है ना, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब तो हुआ कि वो कुछ खास वैल्यू नहीं है, अनवर्दी है, उसकी कोई खास महत्व नहीं है, उसका अनवर्दी है ना, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है वो। और कोलोसल मीन्स ह्यूज है, लार्ज है। इमेंस है ना। और तो यहाँ पे ये तो अभी इसका जस्ट हमने जाना था, ये इसका विपरीत था, और कलोसल हमारा इसका सही आंसर बन जाएगा, लार्ज, ह्यूज, इमेंस। ये हमारा सीपीओ में आया हुआ था, इस साल के भी सीपीओ में एक क्वेश्चन आया था कलोसल को लेके, तो कलोसल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ये सारे शब्द देख लीजिए, कोलोसल का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्या है, लार्ज है, ह्यूज, मैसिव, एनॉर्मस, मैमोथ, एमेंस, ट्रेमेंडियस, एलिफेंटाइट, प्रोडिजियस, मॉन्स्टर, सब्सटेंशियल, टाइटैनिक। अगर कोई और शब्द जो आपको याद आ रहा होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। अगर आपको लर्न हो चुके हैं ये सारे शब्द, तो एटलीस्ट आप लोग मुझे ये 5 वर्ड, इनमें से कोई भी 5 शब्द आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है? तो एटलीस्ट 5 मुझे यहाँ से कमेंट सेक्शन में मिलने चाहिए। और आई होप कि आपने लर्न क्या होगा, आज हमने 15 शब्दों को देखा है, 15 शब्द आपको लर्न होने चाहिए। अगर मैं अलग अलग से कवर करूंगी तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा, एक ही साथ में हमने इन 15 शब्दों को कवर कर लिया है। कोलोसल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा लार्ज है, एक्टिंगली ह्यूज, मैसिव, एनॉर्मस है, मॉन्स्टर है, सबस्टेंशियल है, हरक्यूलिन है, ट्रेमेंडस है, प्रोडिजियस है। प्रोडिगल का मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रोडिगल का आपको मुझे 2-4 और सिनोनिम लिख के आप मुझे बताइएगा, चलो ठीक है? वोकैब के सेशंस को हम लोग शॉर्ट रखते हैं, आप लोग एक नोटबुक बनाते हुए चलो, लर्न करते हुए चलो, मोर देन सफिशियंट है आप लोग के लिए, ठीक है? अब हम लोग मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ में, नई चीजों को सीखते हुए। बस प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको रिवीजन ही करते रहना पड़ेगा, वही एक मात्र आपका सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच, बस बने रहिए। थैंक यू।